गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है बैम्बू करी। तो बैम्बू का मतलब क्या होता है? बांस। तो बांस की क्या है? करी। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू? वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी कोई ऐसी डिश खाई है जो कि बैम्बू से बनती है? यस सर। लेट्स रीड द पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। अब वो बोल रहे हैं कि इस जो ये पिक्चर स्टोरी दी गई है यहाँ पर बुक में, हमको इस पिक्चर स्टोरी को हमको पढ़ना है और उसके बाद हमको ये जानना है कि जो बैम्बू जो करी है उसको कैसे बनाया जाता है। अब देखो, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथल ब्राइडग्रूम कुक्ड ए स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक दिन क्या हुआ कि कोई, ये कोई नाम है संथल, ठीक है, ब्राइडग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, क्या होता है? दूल्हा। तो वो बोल रहे हैं कि कभी क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि जो संथल दूल्हा था वो कहाँ गया? मदर इन लॉ मतलब सास, सासूमा। सासूमा कौन होती है? सासूमा मतलब जैसे आपके पापा, जैसे आपकी नानी है ना, तो आपके पापा आपकी नानी को क्या बोलेंगे? सासूमा। ठीक है, तो जैसे मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपके पापा कहाँ गए? आपकी नानी के घर, और उन्होंने उनके लिए क्या बनाया? एक स्पेशल डिश बनाई जब वो उनके घर गए। दिस करी इज डेलीशियस। जो ये करी जो उन्होंने बनाई थी वो क्या थी? बहुत ही डेलीशियस मतलब स्वादिष्ट थी। ठीक है, क्या थी? बहुत ही स्वादिष्ट थी। व्हाट इज इट? द करी इज डेलीशियस, व्हाट इज इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। तो जब उन्होंने पूछा कि ये बहुत ही स्वादिष्ट जो करी है ये क्या है, व्हाट इज इट, ये क्या है, तो जो सास थी उन्होंने वहाँ पर जो एक दरवाज़ा था वो दरवाज़ा किससे बना हुआ था? बांस के डंडों से बना हुआ था। बांस के डंडों से उस दरवाज़ा जो बना हुआ था उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बताया कि इससे बनाई है हमने ये डिश। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरी सुबह क्या हुआ कि जब वो अपने घर जाने के लिए उठे, जो संथल जो दूल्हा था या जो आपके पापा थे, जब वो घर वापस आने के लिए उठे तो उन्हें याद आया कि मेरे घर में क्या है, कोई भी बांस के पेड़ तो है नहीं। ठीक है, तो अगर मैं इस डिश को बनाना भी चाहूँ तो भी नहीं बना पाऊंगा। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो जब वो अपने घर के लिए वापस जाने लगे तो उन्होंने क्या किया कि जो दरवाजा था उसे उखाड़ा और अपने साथ ही लेके चल पड़े। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद हिज बैम्बू डोर। जब वो अपने घर पहुंचे गांव में तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और बोला कि ये दरवाजा लो और इससे क्या बनाओ? बैम्बू करी मेरे लिए बनाओ। ओके, तो अब क्या हुआ? सी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर। ठीक है, तो वो बोले सी वॉज शॉक्ड, वो आश्चर्यचकित थी उनकी वाइफ। हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ द बैम्बू डोर, वो बोल रही है कि जो ये लकड़ी का जो दरवाजा है, जो ये बांस का जो दरवाजा है, इसे मैं करी कैसे बनाऊं, क्या बना पाओगे? नो। ठीक है, कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बैम्बू, ही सेड। उस तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर देता हूँ इसको चॉप, चॉप मतलब होता है काटना, जैसे हम सब्जी काटते हैं ना तो उसको बोलते हैं चॉपिंग। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके चॉपिंग में हेल्प कर देता हूँ, मतलब मैं इसको कट कर देता हूँ और आप बाकी का काम आप करना। ठीक है, जैसे हम घर में सब्जी काटते हैं, सब्जी हम काट लेते हैं तो कौन बनाता है सब्जी? मम्मी बनाती है। तो आप सब्जी काटने में हेल्प करते हो कभी कभी मम्मी की? ठीक है, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। तो उसकी जो वाइफ थी, उसने जो सेंथा जो दूल्हा था, उसकी जो वाइफ थी उसने क्या किया, उसको बहुत उबाला 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 बहुत उबाला। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट इज टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। तो जब बन गई, मतलब बहुत उबालने के बाद वो जब बन गई और उसने उसको खाया, सेंथल दूल्हे ने जब उसको खाया तो उसने बोला कि ये बहुत ही हार्ड है, मतलब बहुत ही क्या हो रही है, ये कठोर हो रही है, तो चबाई भी नहीं जा रही है। तो उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि आपको बनाना ही नहीं आया। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। तो उसकी जो वाइफ थी उसने क्या किया, उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाया, फिर उबाला। इट इज स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। तो लेकिन क्या हुआ, कितना भी उबाले होगा क्या, लकड़ी का कुछ उबाल के कुछ होगा? कुछ भी नहीं हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, तब भी वो खाने लायक नहीं बना। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। देन इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो उस दिन क्या हुआ, जो उसकी सास थी, उसकी सास उनके घर आई उनको देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग, यंग कपल दैट इवनिंग। दे ऑल लाफ एट इट्स फुलिसनेस। तो वो सब क्या हो गया, उसकी जो मूर्खता थी उस पर क्या हुआ, सब हंस पड़े। द मदर इन लॉ सेड, जो सास थी उन्होंने कहा, डिडेंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर। तो
जो उसकी सास थी उन्होंने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि जो ये जो करी है, ये जो बैम्बू करी है, ये बैम्बू के टुकड़ों से नहीं बनती, ये बैम्बू की लकड़ी से नहीं बनती, ये किससे बनती है? बैम्बू की पत्तियों से। बैम्बू सूट उसको बोलते हैं, बैम्बू सूट। बैम्बू सूट मतलब जो जब कोपले निकलती हैं ना, जब नया पेड़ निकलता है तो नए पेड़ में छोटी छोटी कोपले आती हैं, ठीक है, तो वो उन कोपलों से क्या बनती है? वो सब्जी बनती है। तो उसको हमारे लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बस्किल। हम बस्किल बोलते हैं ना उसको। तो उस बस्किल की सब्जी कितने बच्चों ने खाई है? वेरी गुड, सबने खाई है, ठीक है। कैसी होती हो? कैसी होती है? टेस्टी होती है, अच्छी होती है ना। तो कैसे बनाते हैं उसको? बस्किल लेते हैं, उनको चॉप करते हैं, कट करते हैं पतले पतले, और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं, उबालते हैं, और पहले उसको उबाल लिया और उसके बाद उसको फ्राई करते हैं काई में, जख्या डालते हैं, तेल डालते हैं, और उसमें क्या करते हैं? उसको फ्राई कर लेते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब जो बैम्बू करी है वो बैम्बू के टुकड़ों से नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि बांस का पेड़ काटा और उससे बनाना शुरू कर दिया। वो किससे बनेगी? बस्किल से बनेगी। जो उससे छोटी छोटी जो कोपले हैं, जब नया पेड़ निकल रहा होता है तो उन कोपलों से क्या बनती है? वो बैम्बू करी बनाई जाती है। समझ आया? Yes, sir.